हेलो भाई, मैं उमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FGS वर्जन 4 ग्रे कलर के बारे में। ये रही अपनी डीलक्स मॉडल। यहाँ पे एक मैं डाउट आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले ही मेरा भी डाउट क्लियर हुआ है। ये दो वेरिएंट में आता है, एक स्टैंडर्ड एंड दूसरा डीलक्स। तो जितना भी अभी वर्जन 4 आ रहा है सब डीलक्स में आ रहा है। एक बार आप लोग देखो डीलक्स में चेंजेस क्या है, वो मैं सिंपल बता दूं तो एलॉयज का कलर और ये जो पूरा बॉडी कलर है वो चेंजेस रहेगा, डुअल टोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सिर्फ वर्जन 3 है वो आप लोगों को स्टैंडर्ड में देखने को मिल रहा है। लाइक देख सकते हो पूरा सिंगल टोन में वर्जन 3 आप लोगों को स्टैंडर्ड में देखने को मिल रहा है, और जो डीलक्स है वो पूरी की पूरी डुअल टोन में देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। फिलहाल अभी मैं उस बाइक की बात कर रहा था। तो ये बाइक डीलक्स में है, इसकी प्राइस आप लोगों को पड़ जाती है 1,29,000 अराउंड समथिंग। एयर एंटरप्राइजेस कोडरमा डुमचास में, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में शो होगा, एक बार कॉल करके इंक्वायरी बुक कर लेना। बाकी भाई क्या क्या चेंजेस हो चुका है पूरा का पूरा, तो पहली बार चेंजेस है भाई। फ्रंट से देखो नया यहाँ पे DRL देखने को मिल जाएगा, जिससे ऑन करने के बाद लुक कुछ ऐसा है। एंड ये हाई बीम लो बीम हेडलाइट नया सेटअप के साथ। यहाँ का फ्रंट फेस पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे यामा का लोगो है, यहाँ पे नंबर प्लेस कर सकते हो। बाकी नया आप लोगों को LED फ्लैशर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे। एंड कुछ जो इसकी वर्जन 3 है उसमें एसेसरीज में लगवाते थे, लेकिन इसमें भाई कंपनी फिटेड अब साइड फ्लैशर देखने को मिल जा रहा है विद DRL। एंड ये हाई बीम लो बीम इसी में रिफ्लेक्टर प्रोजेक्टर लाइट नहीं है, ये भी वाइट लाइट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे भी LED एंड ये साइड टर्न इंडिकेटर में भी LED। यहाँ पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 47 mm थिकनेस के साथ है। भाई देख लो कितना मोटा है। इसकी जितनी भी कंपैरिजन जितनी भी कंपटीटर है, मतलब 150cc में है ना, ये सबसे ज़्यादा मोटा सस्पेंशन इसी में देखने को मिल जा रहा है। बाकी नीचे आप लोगों को 100x80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, पूरी ब्लू एलॉयज के साथ। एलॉयज का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ डिस्क की बात कर ले तो ये आप लोगों को 282 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विद ABS किट। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, जिसकी किट यहाँ पे है। एंड यहाँ का जो बायब्रिक्स का कैलिपर्स है वो जो अब चेंज हो चुका है, पहले ये कैलिपर्स नहीं आता था, अब इसमें वर्जन 4 में आप लोगों को नया बायब्रिक्स का कैलिपर्स देखने को मिल जा रहा है, जो कि इसकी ब्रेकिंग पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड यहाँ का सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा चेंजेस की और बात करें तो ये रही न्यू मीटर कंसोल, जो कि आप लोगों को MT15 में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये देखो ऐप कनेक्ट, ये पूरी की पूरी ब्लूटूथ कनेक्ट के साथ आती है। तो यहाँ पे SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट वगैरह सब कुछ बता देगी। ऊपर टाइम, ये RPM मीटर, किलोमीटर, फ्यूल गेज, यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड डिस्टेंस टू MT एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ बता देगी। सिर्फ गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें नहीं बताया जाता है। एंड एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना आप लोग TCS, ये देख सकते हो TCS एंड ये इंजन चेक की लाइट। तो इस बाइक में अब रियर टायर में आप लोगों को और सेफ्टी मिलने वाला है, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब वर्जन 4 में आप लोगों की जो रियर टायर है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा रियर जाने से पहले यहाँ पे दिखा दूँ, मीटर कंसोल आप लोग देख लिया, हैंडल बार कुछ ऐसा है, लेफ्ट साइड हाई बीम लो बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, नीचे हॉर्न, राइट साइड इंजन किल स्विच और नीचे सेल्फ स्टार्ट। वीडियो लास्ट में एक बार मैं एग्जॉस्ट साउंड सुनाने की कोशिश करूंगा। बाकी ये देखो भाई नया इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विद E20 टैंक पैनल 12 लीटर का है, क्वालिटी सेम है, फाइबर क्वालिटी। लेकिन जो गैपिंग पैनल है ना वो अब बहुत ज़्यादा इनहेंस हो चुका। वर्जन 3 में क्या सिस्टम था कि ये जो गैपिंग है वो कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन वर्जन 4 में ये सब कुछ हटा दिए कंपनी। बाकी अब नीचे इंजन की बात कर ले तो 150cc का इसमें इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है। लेकिन ये आप लोगों को BS6 फेज 2 वाली इंजन है, जो कि इथेनॉल के साथ आती है। तो पहले से ज़्यादा अब इंजन इसमें रिफाइन हो चुका है, क्योंकि इसमें इथेनॉल ऐड हो चुका है। पहले से ज़्यादा इसका माइलेज भी बढ़ गया, पहले आप लोगों को अराउंड 40-45 माइलेज प्रोड्यूस हो जाता, लेकिन अब ये आराम से आप लोगों को 45-50 का माइलेज प्रोड्यूस करके दे देगी। बाकी यहाँ पे 3D में FGS देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ, एंड नीचे वर्जन 4 ये जो है पूरी की पूरी ब्लैक इंसर्ट के साथ है। यहाँ पे नया स्टिकर है, कलर प्रिंट देख सकते हो आप लोग। सीटिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है भाई, हार्ड सीटिंग नहीं है, लॉन्ग राइड के लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बाकी पूरा अटैच सीट है भाई, 2 लोग और 3 लोग आराम से इसमें बैठ जाओगे। बाकी ये सिंगल सीट है देख सकते हो आप लोग, एंड पूरी ब्लैक कलर के साथ। इसमें एक और कलर आता है ब्लैक कलर डीलक्स वाली मॉडल में, अभी तो ग्रे कलर है। ब्लैक कलर में आप लोगों को डुअल टोन सीट देखने को मिलेगा, उस कलर का मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, एक बार देख लेना आप लोग उसमें क्या कुछ चेंजेस है। बाकी यहाँ पे की बात कर लें तो यहाँ पे रियर फुटलेस है, फ्रंट फुटरेस्ट है, यहाँ पे सारी गार्ड दे रखी है, लेडीज फुटरेस्ट भी लगा सकते हो, एसेसरीज का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब पैनल में छोड़ रखी है, यहाँ पे एक हुक छूटा हुआ है तो वो सब लगवा सकते हो आप लोग, इसमें एसेसरीज का वो पार्ट हो गया। यहाँ पे आप लोगों को सिंगल स्टैंड एंड डुअल स्टैंड दोनों देखने को मिल जाएगा। सिंगल स्टैंड में यहाँ पे कट ऑफ
सेंसर है, 5-speed गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है, ओपन टाइप चैन कवर है। रियर टायर की बात करें तो 140 सेक्शन का रियर टायर है भाई, 150cc में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा टायर इसी बाइक में है, FZS वर्जन 4 और वर्जन 3 में। एक बार मैं सेक्शन दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग 140/60 सेक्शन का है भाई, बहुत ज़्यादा वाइडर टायर है। एंड MRF का टायर इसमें देखने को मिल जाएगा, 17 इंचेस का एलॉय है। रियर में भी आप लोगों को ब्लू टाइप एलॉयज कलर देखने को मिल जाएगा, एंड वही टायर कलर फ्रंट में भी है। बाकी रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक है, इसमें एक किट ऑन हो चुका है, देख सकते हो। ये ABS की किट नहीं, ये आप लोगों की ट्रैक्शन कंट्रोल वाली किट दे रखी है। तो रियर टायर में आप लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी और बढ़ चुका है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड ऑन हो चुका है। दो आप लोगों को टायर हगर देखने को मिल जाएगा, जो कि गंदा वंदा से प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग टायर गंदा है, लेकिन यहाँ पे एक जरा सा गंदा देखने को नहीं मिलेगा, ये डबल टायर हगर का खासियत है। बाकी रियर की बात कर ले तो यहाँ पे LED टेल लैंप देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को MT15 में देखने को मिलता है, वही सेम लुक के साथ। LED फ्लैशर है, नंबर प्लेस यहाँ कर सकते हो, उसकी लाइट यहाँ पे, एंड रियर में साइड रिफ्लेक्टर भी दे रखी है ड्यू टू सेफ्टी पर्पस, एंड कुछ इसका ऐसा है हैंडल बार। कैसे लगी ये बाइक एंड ये डिटेल रिव्यू नीचे कमेंट करके बताना, ये कलर कैसा लग रहा है वो नीचे कमेंट करके बताना, और वर्जन 4 में क्या कुछ चेंजेस हुआ था वो मैंने बता दिया, वो कैसा चेंजेस लगा ये भी नीचे कमेंट करके आप लोग बता देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन कीप पुशिंग, कीप सेफ, बाय।